तो फ्रेंड्स आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। साथियों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका CDP, जिसे हम लोग कहेंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। आप लोग देख सकते हैं ये हम लोग प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो आपका 28 जनवरी 2023 में जो आपका ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम हुआ था वह चीज़ हम लोग करने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आपके 30 क्वेश्चन करवाएँगे वो सभी के सभी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऑन स्क्रीन पूछा गया है कि हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यताओं का वर्णन करते हुए पारस्परिकता करते हैं, और फिर भी निम्न में से कौन सा विकास का क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरों के कार्यों और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है। तो आपको बताना है, आपके सामने चार ऑप्शन है, भाषा विकास मतलब कि लैंग्वेज डेवलपमेंट, या फिर नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास फिजिकल डेवलपमेंट, या फिर सांस्कृतिक विकास जिसे हम लोग कल्चरल डेवलपमेंट कहेंगे। तो बताइएगा इसमें से राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए इसमें से पूछा गया कि कौन सा क्षेत्र है जो मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरों के कार्यों और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है, है ना। तो देखिए इसमें राइट आंसर आपका जो हो जाएगा नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मुख्य रूप से क्या होता है, व्यक्तियों के अपने और दूसरों के कार्यों का व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है, तो उसे हम लोग कहेंगे मॉरल डेवलपमेंट गाइज, है ना। तो देखिए इसमें राइट आंसर आपका हो गया और ये आपका सही। देखिए नैतिक विकास का अर्थ क्या होता है, नैतिक विकास का अर्थ अगर समझा रहे तो सही और गलत, उचित और अनुचित के बीच अंतर करना सीखना, यही हमारा नैतिक विकास कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर तक होता है। देखिए आपने दो प्रकार के पढ़े होंगे ना विकास, एक तो आपका बताता है कि सिर से पैर तक होता है ना। तो देखिए और दूसरा आपने कौन सा पढ़ा है, आपका कौन सा सिद्धांत पढ़ा है, अंदर से बाहर की ओर, है ना। दो आपने पढ़े हैं विकास के सिद्धांत, तो इसमें से जो आपका है आपका ये कौन सा सिद्धांत बताता है आपको कि जो विकास है वो सिर से पैर तक होता है। तो बताइएगा विकास पूर्वानुमेय है, या फिर विकास परिपक्वता और सीखने का एक उत्पाद है, या विकास एक विशेष दिशा में आगे बढ़ता है, या फिर बच्चों के विकास की दर में विभिन्नताएं होती हैं। तो देखिए आपको बता दें कि इसमें से क्या राइट आंसर होने वाला है, तो विकास एक विशेष दिशा में आगे बढ़ता है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है। राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पर इसका एक्सप्लेन भी अच्छे से देख सकते हैं, और इसमें कहा गया कि बालक जन्म के कुछ समय बाद सिर उठाना प्रारंभ करता है, और 9 माह की आयु में वह सहारा लेकर बैठने लगता है, और फिर धीरे धीरे खिसक कर चलते चलते वह पैरों के बल 1 वर्ष की आयु में खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि विकास जो है वह सिर से पैर तक होता है। पहले बालक अपना सिर हिलाता है ना, फिर वह चलना धीरे धीरे खिसक कर चलता है, तो वह पैरों का सहारा ले लेता है, मतलब सर से पैर तक उसका ये चलने का प्रोसेस होता है। अब आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका, देखिए असर्शन और रीजन से रिलेटेड है, मतलब कि कथन और तर्क से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, और इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। कथन ए कहा गया है कि अभिभावक को बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए। बताइए अभिभावक जो पेरेंट्स होते हैं हमारे, तो अभिभावकों को जो बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए, क्या ये बात सही है। और इसका तर्क ये दिया है कि क्यों करना चाहिए, क्योंकि बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रारंभ होता है, इस वजह से जो है देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए क्या। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए अगर इसके करेक्ट आंसर राइट आंसर की बात कर ली जाए, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपके दोनों पॉइंट सही हैं, ठीक, कथन भी सही है और तर्क भी सही है, तो इस वजह से आपका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, और जो आर है वह जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है ना गाइस। चलिए फोर नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार वर्ग समावेशन की
अवधारणा बच्चों के द्वारा किस चरण के दौरान प्राप्त की जाती है? बताइएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार आपको बताना है कि वर्ग समावेशन की जो अवधारणा है वह बच्चों के द्वारा किस चरण के दौरान प्राप्त की जाती है। आखिर ऐसा कौन सा चरण है? मूर्त संक्रियात्मक चरण है, संवेदी गामक चरण है, या फिर पूर्व संक्रियात्मक चरण है, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक चरण है? 4 नंबर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आपका जाएगा गाइस ए, मूर्त संक्रियात्मक, है ना। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे परिकल्पनात्मक रूप से सोचने लगते हैं? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार जो है किस चरण पर अधिकतर बच्चे परिकल्पनात्मक रूप से सोचने लगते हैं? आपको पता है जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस बताई हैं, है ना बच्चा। तो बताइएगा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। और यही 4 स्टेजेस जो हैं जीन पियाजे ने बताई हैं, और हर क्वेश्चन पेपर में जो है जीन पियाजे से रिलेटेड और वाइगोत्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, आपको पता होना चाहिए। और यही 4 स्टेजेस से ही रिलेटेड जीन पियाजे के से क्वेश्चन आता है। तो इसमें राइट आंसर परिकल्पनात्मक रूप से बालक सोचने लगता है, तो वह कौन सी स्टेज है गाइस? वह स्टेज है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक, मतलब कि 4th नंबर स्टेज है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तो राइट आंसर आपका, इसकी जो एज अवस्था कितनी होती है, इसकी एज अवस्था होती है 11 से 15 वर्ष का जब बच्चा रहता है तो वह सब चीज़ों को अच्छे से जानने और समझने लगता है, है ना। तो राइट आंसर आपका डी हो गया। चलिए 6 नंबर है कि लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार विद्यार्थियों के समीपस्थ विकास का क्षेत्र पाने में मदद करने के लिए एक अध्यापिका को क्या देना चाहिए? बताइए एक अध्यापिका को क्या देना चाहिए, बताइएगा इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। बताइए बच्चे इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके सामने 4 आंसर है। दंड, देखिए दंड तो एक निगेटिव वर्ड है तो ये तो हो ही नहीं सकता। पुरस्कार, पाड़, या फिर नकारात्मक प्रतिपुष्टि से निगेटिव फीडबैक कहेंगे तो ये भी नहीं हो सकता गाइस। और हम आपको बता दें पुरस्कार भी नहीं दिया जाता है, ठीक है, वो बात अलग है आप लोग देते हैं, लेकिन सीटेट के जो सीबीएसई का जो आपका सिलेबस है उसमें हम बच्चे को ना ही डांट सकते हैं, ना मार सकते हैं, ना ही उसको होमवर्क दे सकते हैं, ना पुरस्कार दे सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्कॉफोल्डिंग आपका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यही चीज़ जो है लेव वाइगोत्स्की ने बताया भी, आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए इनर स्पीच भी इन्होंने बताया है, जेट पीडी भी इन्होंने बताया है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र है ना गाइस। चलिए फिर एक देखिए एक और क्वेश्चन आ गया लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड। पूछा गया है कि लेव वाइगोत्स्की ने डैश विकास में वृद्धि हेतु डैश के इस्तेमाल पर बल दिया है, तो बताइएगा इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है। हो जाएगा शारीरिक पारस्परिकता हो जाएगा, नैतिक या पुरस्कार हो जाएगा। तो देखिए नैतिक और पुरस्कार में हमने बताया पुरस्कार तो हो ही नहीं सकता ना, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका ऐसे ही गलत हो गया। और थर्ड है सामाजिक और स्मृति सहायक विधियाँ। देखिए हमने आपको एक चीज़ बता दें, लेव वाइगोत्स्की का जो संबंध है वो सामाजिक तौर पर बहुत है, है ना, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा सोशल चीज़ों पे एक्टिव रहे हैं। तो सामाजिक अगर आपको कहीं वर्ड देखने को मिल रहा है तो मोस्टली चांस रहता है कि वही राइट आंसर आपका हो जाएगा। और फोर्थ है कि यहाँ पे देखिए आपको सामाजिक मिल रहा है तो ये ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। बट हम और भी देखेंगे संज्ञानात्मक और सांस्कृतिक उपकरणों, तो जो आपका बेस्ट राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा? देखिए जो आपका राइट एकदम बेस्ट आंसर होगा वो संज्ञानात्मक और सांस्कृतिक, दोनों वर्ड आपके जो हैं ये अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की पे डिपेंड हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर आपका बच्चे डी आंसर आपका बिल्कुल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। देखिए हमको बेस्ट से बेस्ट आंसर पे क्लिक करना होता है ना। देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा, तो बताइएगा।
निम्नलिखित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा है? तो बताइएगा, कोनार्ड लॉरेंस ने रखा है, सिगमंड फ्राइड ने रखा है, या फिर लॉरेंस कोहलबर्ग ने रखा है, या फिर एरिक एरिक्सन ने रखा है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत रखा है? तो ये चीज़ किसने रखी है? ये रखी है लॉरेंस कोहलबर्ग ने गाइज। ठीक है, राइट आंसर आपका बिल्कुल सी आंसर राइट हो जाएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग राइट आंसर हो जाएगा। और ये चीज़ बहुत अच्छे से समझिएगा, इन्होंने जो ये स्टेज बताई हैं, तो इन्होंने टोटल 3 स्टेज बताई हैं कोहलबर्ग साहब ने। ठीक है, आपका पूर्व परंपरागत स्तर है, और दूसरा आपका है परंपरागत स्तर, ठीक है, और तीसरा आपका उत्तर परंपरागत स्तर है ना। तो इसमें आपका एज दिया है, और ये चीज़ देखिएगा, इसमें दंड और आज्ञा पालन अधिविन्यास और सहायक विनिमयन अधिविन्यास पे बात की गई है। ठीक, और ये चीज़ समझिएगा, जो आपका थर्ड है अच्छा लड़का अच्छी लड़की, गुड बॉय गुड गर्ल, जो अधिविन्यास है ना आपका, ये आपका 2nd स्टेज में जाता है, बहुत ही अच्छा, ये आप बिल्कुल ध्यान कर लीजिएगा। और ये आपका आपका जो आपका थर्ड स्टेज है आपका, ये इसमें आपका बात की जाती है, इसमें सामाजिक तौर पर बात की जाती है ना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसमें कहा गया कथन और तर्क में, कथन है कि क्रिया आधारित शिक्षण अधिगम को बाल केंद्रित माना जाता है, कथन है, और इसका तर्क दिया है क्यों माना जाता है, क्योंकि शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता, इस वजह से माना जाता है। तो बताइएगा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसके राइट आंसर की हम बात कर लें, तो ए जो पॉइंट आपका कथन ए है ना, ये तो बिल्कुल सही है भाई, ये बिल्कुल सही है, राइट है। क्रिया आधारित शिक्षण अधिगम को बाल केंद्रित माना जाता है, और कहीं ना कहीं ये आपका गलत है, कह रहा है कि शिक्षण क्यों माना जाता है, क्योंकि शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता। भाई भूमिका क्यों नहीं निभाता है, उसका तो बहुत बड़ा रोल होता है ना, तो इस वजह से आपका गलत है। तो ए सही है, सी गलत है, ए सही है मतलब कि बी गलत है, मतलब ए सही है और आर जो रीज़न है ये गलत है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर है, कहा गया कि बहुबुद्धि सिद्धांत कहलाता है कि क्या कहलाता है? बहुबुद्धि जो इन मल्टीपल इंटेलिजेंस स्टेट्स है, कहा गया कि बहुबुद्धि सिद्धांत कहलाता है, क्या कहलाता है? बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है, बुद्धि को तेज नहीं किया जा सकता है, ये तो गलत पॉइंट है, बुद्धि को तेज नहीं किया जा सकता है कहा गया है। बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है, नहीं माप सकते भाई, सभी व्यक्तियों में बुद्धि स्तर एक समान होता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो राइट आंसर आपका ए पे चला जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हम चीज़ों को ऑप्शंस को एलिमिनेट करके और राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं गाइस, है ना, वो चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए इसी के साथ 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की की भाषा को किस प्रकार देखते हैं? जो हमारे लेव वाइगोत्स्की की भाई साहब हैं, ये जो भाषा है हमारी लैंग्वेज है, इसको किस प्रकार से देखते हैं कि भाषा अधिगम प्रक्रिया में बाधक है? देखिए बाधक है तो ये तो आपका निगेटिव वर्ड है ना, बाधक वर्ड आ गया, ये तो गलत हो गया। भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो अधिगम को सुसाधित करती है, ये तो अभी अच्छा लग रहा है, और देख लेते हैं। लेकिन भाषा चिंतन प्रक्रिया में अर्थहीन है, अर्थहीन का मतलब कोई मतलब ही नहीं है, तो ये भी आपका गलत है, निगेटिव पॉइंट है ना। और 4th नंबर है डी की भाषा जैविक परिपक्वता का एक नगण्य अंश है, तो नगण्य अंश है का मतलब समझ रहे हैं कि मतलब बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है, तो ये भी आपका गलत है। तो राइट आंसर आपका गाइस बी हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देख लेते हैं, 12 नंबर आपसे क्वेश्चन कहा गया है कि लड़कों के लिए नीले रंग के कपड़े और लड़कियों के लिए गुलाबी रंग के कपड़े खरीदना किसे बढ़ावा देता है? बताइएगा, मतलब कि लड़कों के लिए नीले रंग के कपड़े और लड़कियों के लिए गुलाबी रंग के कपड़े खरीदना किसे बढ़ावा देता है? हमने ये चीज़ आपको बहुत ही पहले बताई है, इसका आंसर तो आपको बिल्कुल पढ़ के ही पता चल रहा है। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि लड़के और लड़कियों में भेद आपको समझ में ही आ रहा होगा, लड़कों का अलग ड्रेस है, लड़कियों का अलग ड्रेस का कलर है, तो ये कहीं ना कहीं एक भेदभाव चीज़ है ना। तो इसको हम लोग एक अच्छे से वर्ड में देखिए, अब इसका वर्ड आपको इंग्लिश में ध्यान रखना पड़ेगा, जेंडर स्टीरियोटाइप, ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप कहिए या फिर जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कहिए, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, हिंदी पे मत जाइएगा। ठीक है, आपको हमेशा ये ऑप्शन मिलेगा जेंडर स्टीरियोटाइप,
ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग बिल्कुल ध्यान रख लीजिए। कहीं पे भी आपको लगे कि जो है भेदभाव हो रहा है तो आप तुरंत ऑप्शन पे जाइए, इंग्लिश वाले ऑप्शन पे जाइए और जेंडर स्टीरियोटाइप ढूंढिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा, 100% मिलेगा और वही आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए कुछ पॉइंट्स हम आपको ऐसे बता देंगे ना कि आपको क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी एग्ज़ाम हॉल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ऑप्शन बड़े हैं इस वजह से थोड़ा क्वेश्चन छोटा मैंने कर दिया है। अब समझिएगा क्वेश्चंस को। देखिए इसमें ये कहा गया है कि अंग्रेजी विषय की एक शिक्षिका है, टीचर है, जिसका नाम है सरिता। सरिता ने यह देखा कि कक्षा में जो पढ़ाती है उसे सीखने के स्तर पर विद्यार्थी विभिन्नताएं दिखाते हैं, इसलिए सरिता को चाहिए कि वह क्या करे। सरिता को क्या करना चाहिए, मतलब सरिता ने यह देखा कि कक्षा में जो पढ़ाती है सरिता उसे सीखने के स्तर पर विद्यार्थी जो है विभिन्नताएं देखते हैं मतलब कि बहुत सारी विभिन्नताएं देखते हैं उस चीज़ में, और इसलिए सरिता को आखिर क्या करना चाहिए कि शिक्षण के एक समान तरीके का पालन करें ताकि सीखने में व्यक्तिगत अंतर कम हो। तो देखिए अगर आप एक समान तरीके का ही पालन करेंगे तो बच्चा ज़्यादा सीख नहीं पाएगा, है ना। तो ये आपका क्या पॉइंट हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया भाई, बच्चे को हम लोग विभिन्न तरीकों से सिखाते हैं। अगला कहा गया है कि छात्रों के पालन के लिए बहुत सख्त नियम बनाएं। बहुत सख्त नियम हम लोग नहीं बना सकते हैं, ठीक है, हमको जो नियम बनाने हैं वो बहुत ही मतलब कि लचीले बनाने हैं गाइस, है ना। सख्त नियम नहीं बनाए जाते हैं कि कोई पालन ही ना कर सके, बच्चे हैं। अगला है कि सीखने में सुधार के लिए अपने शिक्षण में विभिन्न प्रकार के अनुभवों को शामिल करें। बिल्कुल सही लग रहा है, विभिन्न प्रकार के अनुभवों को आपको शामिल करना चाहिए, है ना, कि बच्चे ऐसे होता है, चीज़ें वैसे होती हैं, ये है सही है ये गलत है, अपना अनुभव बिल्कुल शेयर करना चाहिए। अगला है कि इन मतभेदों के बारे में ध्यान ना दें, तो ये तो आपका पॉइंट गलत है ना, इन मतभेदों पर ध्यान ही नहीं देंगे तो गलत है। तो बेस्ट ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, है ना गाइस, समझ गए होंगे आप लोग। ये तो पॉजिटिव और निगेटिव का रोल था और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अगला 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, बताइएगा, मतलब कि जो असेसमेंट है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। विद्यार्थियों का नामीकरण होना चाहिए, मतलब कि लेबलिंग ऑफ स्टूडेंट्स होना चाहिए। तो देखिए ये तो आपका थोड़ा गलत हो गया, विद्यार्थियों का नामीकरण जो है ये गलत है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य ये नहीं होता है। अगला कि समान योग्यता आधारित विद्यार्थियों का समूहीकरण, समान योग्यता आधारित विद्यार्थियों का समूहीकरण करेंगे क्या, तो नहीं सर। अगला कि विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझना, बस यही होता है, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट, यह इसे हम लोग मूल्यांकन का मुख्य रूप से उद्देश्य माना जाना चाहिए। कम अंक वाले विद्यार्थियों का अवरोधन नहीं, तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को शामिल करके मूल्यांकन की प्रकृति में किस प्रकार का बदलाव आता है, बताइएगा, मतलब कि मूल्यांकन की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को शामिल करके मूल्यांकन की प्रकृति में किस प्रकार का बदलाव आता है, तो बताइएगा किस प्रकार का बदलाव आता है। अधिगम के लिए मूल्यांकन हो जाता है क्या, चलिए सही लग रहा है। अगला कि रचनात्मक मूल्यांकन जो है क्या योगात्मक मूल्यांकन में बदल जाता है, या फिर व्यापक मूल्यांकन जो है वो अव्यापक मूल्यांकन में बदल जाता है, या फिर सतत मूल्यांकन जो है वो असतत मूल्यांकन में बदल जाता है। तो देखिए इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अधिगम का जो मूल्यांकन है वो अधिगम के मूल्यांकन हो जाता है, मतलब समझिएगा इंग्लिश में आप समझिएगा, मतलब कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है वो असेसमेंट फॉर लर्निंग में चेंज होता है, आप समझ गए बात को, हाँ ये चीज़ है, ऑफ वाला फॉर में चेंज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है कि हाशिए पर स्थित वंचित वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में मदद करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, बताइएगा, बताइएगा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक टीचर को क्या करना चाहिए, हाशिए पर स्थित वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में मदद करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए,
कि सभी छात्रों के बीच अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए? बताएं। मतलब कि सभी छात्रों के बीच अपनेपन को अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए क्या? तो ये तो सही लग रहा है अभी तो फिलहाल, है ना। चलिए और देख लेते हैं पॉइंट बी ऑप्शन का। आ गया है कि कक्षा के सामने उनकी कमजोरी को उजागर करना चाहिए। मतलब कि कक्षा के सामने उनकी कमजोरी को उजागर करेंगे तो गलत पॉइंट बात हो गई ना। उन्हें एक अलग सेक्शन में पढ़ाना चाहिए, ये भी नहीं भाई, हम अलग तो कर ही नहीं सकते, इंक्लूसिव एजुकेशन है। सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करेंगे। देखिए हमने आपको एक चीज़ बताई थी, जो आपका कहीं पर भी स्टैंडर्ड वर्ड आ जाए ना, जिसे हम लोग मानकीकृत कहते हैं हिंदी में, स्टैंडर्ड वर्ड आ जाए, ये आपका निगेटिव वर्ड होता है गाइस, ठीक है, तो आप तुरंत इसको काट देंगे। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो बचा क्या है फिर? बचा तो ऑप्शन आपका ए है ना, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही माना जाएगा, ठीक है। देखिए कभी कई बार ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, बस क्वेश्चन का मतलब इतना निकाल लीजिएगा कि क्वेश्चन पॉजिटिव है कि निगेटिव में। अगर आपको उस थोड़े सा भी समझ में आ गया, चलो अच्छा वो भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है ना अगर, तो आप ऑप्शन पे जाइए, उसमें से आप पॉजिटिव वाले पे क्वेश्चन कुछ आपको अगर उसमें राइट आंसर पॉजिटिव होगा ना, तो तीन निगेटिव दिए होंगे तो आपको तीन निगेटिव काट के एक पॉजिटिव वाला सही करना होता है, ठीक है। अब आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे जो हम समझाना चाह रहे हैं। चलिए अगर समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगर अच्छा लग रहा होगा ये साथी, आप अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ग्रुप्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर है, और ये कहा गया है कि कक्षा में एक दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थी के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, एक टीचर को क्या करना चाहिए। मतलब कि एक दृष्टिबाधिता, कक्षा में एक दृष्टिबाधिता से जूझता हुआ एक शिक्षार्थी है, ठीक है, विद्यार्थी है, शिक्षार्थी है मतलब कि, तो उसको समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को, एक टीचर को क्या करना चाहिए? जानकारी का मौखिक विवरण देना चाहिए, संप्रत्यय के विवरण ये तो चार्ट दिखाना चाहिए, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, या फिर उनकी तरफ बार बार देखना चाहिए। तो देखिए बार बार देखने से काम नहीं चलेगा, है ना। सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, मतलब कि बच्चा जो दृष्टिबाधा से जूझ रहा है, मतलब दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो हम लोग सांकेतिक भाषा का प्रयोग करेंगे क्या, या फिर संप्रत्यय के विवरण है चार्ट दिखाएंगे, बच्चा जब देख ही नहीं पा रहा तो हम चार्ट क्यों दिखाएंगे, ये भी गलत हो गया। जानकारी का मौखिक विवरण देना चाहिए, और इसमें कहा गया कि सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप लोग संकेत करेंगे, बच्चा देख ही नहीं पा रहा तो संकेत करने से क्या मतलब है भाई, तो ये भी गलत हो गया। आप मौखिक रूप से उसको जानकारी कुछ देंगे, विवरण देंगे, है ना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी ए बिल्कुल करेक्ट हो गया, ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला कि एक विशिष्ट अधिगम असमर्थता, मतलब पठन वैकल्य की क्या विशेषता है, बताएगा। पठन वैकल्य की क्या विशेषता है? लेख के बोध कठिनाई है, लेख के बोध कठिनाई है, या फिर चलने में कठिनाई है। देखिए इंग्लिश में थोड़ा समझते हैं, डिसलेक्सिया के बारे में पूछा है, तो डिसलेक्सिया के बारे में पूछा है, तो इसमें क्या है भाई, लिखने में भाई हमने क्या बताया था, बच्चा लक्स लिख रहा है, लक्स को लुक्स पढ़ रहा है ना, तो दिक्कत तो यहीं पे आ रही है ना, बच्चा एम और डब्लू में विभेद नहीं कर पा रहा है, कौन सा एम है कौन सा डब्लू है, कौन सा बी है कौन सा डी है, बच्चे को जानकारी नहीं है, है ना। तो वही चीज़ मैंने आपसे बताई थी, तो इसकी जो विशेषता है क्या हो जाएगी इसमें, तो आप लोग ऐसे ही बता सकते हैं, लेख के बोध में घटनाएं, बच्चा जो आप लिख रहे हैं वो समझ ही नहीं पा रहा बच्चा, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, और इसमें कहा गया है कि वंचित समूहों से आने वाले बच्चों की सहायता के लिए स्कूल में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्वेश्चन, अब बताइएगा। मतलब कि वंचित समूहों से आने वाले बच्चों की सहायता के लिए स्कूल में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है, कौन सी सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है गाइस, बताइएगा कौन सी सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है। विषयों के चयन में लचीलापन प्रदान करना, मतलब कि विषयों के जो चयन में लचीलापन प्रदान करना, तो लचीलापन प्रदान करने तो चलिए अच्छी बात है, ठीक है। कक्षा के सभी बच्चों के लिए समान शैक्षिक कार्यक्रम लागू करना, नहीं ये चीज़ गलत है।
उन्हें किसी विशेष स्कूल में प्रवेश लेने के लिए बाध्य करना, अरे बाध्य क्यों करेंगे, उन्हें उसी स्कूल के एक अलग सेशन में पढ़ाना, नहीं एक अलग सेशन में नहीं पढ़ाएंगे भाई, इंक्लूसिव एजुकेशन है, ये तो गलत है, किसी एक विशेष में प्रवेश बाध्य करना नहीं, ये भी गलत है। और इसमें कहा गया कि कक्षा के सभी बच्चों के लिए समान शैक्षिक कार्यक्रम लागू करना, भाई समान कक्षा के सभी बच्चों के लिए समान शैक्षिक कार्यक्रम को लागू करेंगे तो ऐसा भी नहीं है, और विषयों के चयन में लचीलापन प्रदान करेंगे, बिल्कुल बच्चे को जो भी सब्जेक्ट उसको अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल है, वो उसको लेने के लिए बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे, एफर्ट डालेंगे, बच्चे को में लचीलापन का चयन करने के लिए बिल्कुल हम लोग तैयार हो जाएंगे। चलिए अगला है क्वेश्चन 20 नंबर का आ गया है कि यदि ट्विंकल अपने बाएं हाथ से लिखती है, ट्विंकल कोई एक स्टूडेंट है वो अपने बाएं हाथ से लिखती है तो उसकी शिक्षिका को क्या करना चाहिए। आप एक टीचर हैं और आपके क्लास में एक स्टूडेंट है वो लेफ्टी है, मतलब कि बाएं हाथ से लिख रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, समझिएगा, उसे बाएं हाथ का उपयोग करने के लिए हतोत्साहित करेंगे, हतोत्साहित का मतलब क्या हो गया कि मतलब उसे मना करेंगे, उसे मतलब कि उसे ये कह देंगे कि नहीं बाएं हाथ से नहीं लिखा जाता है, तुमको तमीज नहीं है, ये है वो है, हतोत्साहित कर देंगे, नहीं गलत बात हो जाएगी, उसे अपनी पसंद का प्रयोग करने दें, मतलब कि वो लेफ्टी है तो हम लोग उसकी जो उसकी जो पसंद है उसका प्रयोग करने दें, कोई मना ना करें, चलिए ठीक है और देख लेते हैं। इसकी रिपोर्ट स्कूल काउंसलर को दें, नहीं गलत है भाई, हमारे कई फ्रेंड्स, देखिए आपने आपने देखा होगा हमारे कई फ्रेंड्स हैं वो लेफ्टी रहे हैं, है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि उनके नंबर कट गए हों, बिल्कुल नहीं है ना, वो हैं लेफ्टी तो ठीक है। अगला कि उसे दाहिने हाथ का उपयोग करने के लिए मजबूर करें, नहीं मजबूर क्यों करेंगे भाई, उसकी अपनी पसंद है, लेफ्टी हो चाहे राइटी हो, लिखने से मतलब पढ़ने से मतलब है, ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए फिर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन आपका जो असर्शन और रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, ठीक है, तो 21 नंबर में आपका कथन और तर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो कथन क्या कहा गया है, कथन क्या आ गया है कि एक अध्यापिका है, टीचर है, उसके द्वारा विद्यार्थियों को समूह में काम करने और सहपाठियों संग चर्चा द्वारा सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ठीक है, और इसमें कहा गया कि क्यों करना चाहिए, क्योंकि तर्क दिया गया क्योंकि अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, तो बिल्कुल बात तो बिल्कुल भाई सही लग रही है, दोनों के दोनों सही हैं, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका जाएगा गाइस ए, मतलब कि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, ये कहा गया है कि प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किनका प्रयोग करना चाहिए, मतलब कि प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किनका प्रयोग करना चाहिए, उदाहरण का प्रयोग करना चाहिए, गैर उदाहरण का प्रयोग करना चाहिए, समरूपता का या फिर नकारात्मक पुनर्बलन का, तो देखिए इसमें तो कई ऑप्शन आपके राइट हैं, है ना गाइस, कई ऑप्शन आपके राइट हैं, तो देखिए ये तो नहीं होगा क्योंकि नकारात्मक पुनर्बलन हो गया तो ऑप्शन तो आपका 4 बिल्कुल सही गलत ही हो गया, है ना, 4 जब गलत हो गया गाइस तो इसमें से फिर बचा कौन सा आपके, देखिए ए बी और सी बिल्कुल सही हैं आपके, ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला कि एक संरचनावादी कक्षा में अधिगम को किस प्रकार देखा जाना चाहिए, एक संरचनावादी कक्षा में अधिगम को किस प्रकार देखा जाना चाहिए, तो अधिगम को किस प्रकार देखा जाना चाहिए, केवल ज्ञान का पुनरुत्पादन के लिए देखा जाना चाहिए गाइस, क्या ये सही है, तो देखिए केवल वर्ड लग गया, हमने आपसे बताया था कहीं पर भी केवल वर्ड आ जाता ना तो केवल कनेक्शन हम बिल्कुल काट देते हैं ना, केवल कनेक्शन हम साथियों बिल्कुल काट देते हैं, इस वजह से आपका गलत हो गया ए। अगला कि वास्तविक जीवन से वियोजित, मतलब कि डिसकनेक्टेड, वियोजित का मतलब नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे इंग्लिश देखिएगा, डिसकनेक्टेड मतलब कि कनेक्शन हट गया, मतलब वास्तविक जीवन से कोई मतलब ही नहीं है रियल लाइफ से, तो ये भी गलत हो गया। अगला कि शास्त्रीय अनुकूलन का परिणाम, रिजल्ट ऑफ क्लासिकल कंडीशन, चलिए इसको थोड़ा छोड़ देते हैं, अगला पढ़ते हैं, वातावरण से सक्रिय पारस्परिकता संपर्क का परिणाम, ये बिल्कुल सही है ऑप्शन आपका, बड़ा भी है और सही भी, पॉजिटिव भी है,
देखिए गाइस, कभी ऐसा होता है कि 99% ये चांस रहता है, 98% कहेंगे जो ऑप्शन आपको सबसे बड़ा नज़र आता है ना और थोड़ा सा अच्छा लगे पढ़ने में, मतलब कि उसमें पॉजिटिविटी हो, तो वो आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है, चलिए 24 नंबर है कि निम्न में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों के जानकारी को लंबे समय तक याद रखने में मदद करेगी। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लंबे समय तक याद रखने में मदद करेगी, तो यह कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जानकारी से संबंधित बेमतलब शब्दों का समूह बनाना, अरे बेमतलब शब्दों का समूह बनाएंगे तो कहाँ से याद होगा। जानकारी को अव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना, अव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है। जानकारी से संबंधित दृश्य रूपक और समरूपक बनाना, ये चीज़ हमें सही लग रही है। अगला कि जानकारी को बिना किसी संदर्भ के प्रस्तुत करना, अरे ये तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गाइस, है ना। 25 नंबर है कि यदि एक शिक्षक विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताएं विकसित करना चाहता है तो उसे निम्न में से किससे बचना चाहिए, बताएं। मतलब कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताएं विकसित करना चाहता है, मतलब कि एक शिक्षक है विद्यार्थी में क्या करना चाहता है, समस्या समाधान क्षमताएं विकसित करना चाहता है, तो उसे निम्न में से किससे बचना चाहिए, मतलब क्या नहीं करना चाहिए। निगेटिव बताना है, क्या नहीं करना चाहिए, बात को समझना। पॉजिटिव आंसर नहीं आएगा, राइट निगेटिव आंसर आएगा, क्योंकि किससे बचना चाहिए, तो बचेंगे हम लोग हमेशा निगेटिव चीज़ से बचेंगे, है ना। समस्या को ठीक समझने के लिए विद्यार्थी को प्रेरित करना, तो ये तो सही पॉइंट है, चलिए इससे हम नहीं बचेंगे। बचना किससे है, विद्यार्थियों को समस्या से विभिन्न पहलू देखने के लिए प्रोत्साहित करना, सही बात है। विद्यार्थियों में व्यवस्थित कार्य करने की आदत विकसित करना, ये भी सही है। विद्यार्थियों को प्रेरित करना कि वे कार्य को जैसे भी हो जल्दी करें, नहीं ये चीज़ नहीं है भाई, जैसे भी हो मतलब गलत हो तब भी जल्दी करें, ये तो गलत है, इससे बचना चाहिए, तो ऑप्शन आपका डी जो है सही हो जाएगा। अगला कि विद्यार्थियों की त्रुटियों के संबंध में एक टीचर को क्या करना चाहिए विद्यार्थियों की त्रुटियों के संबंध में। नकारात्मक पुनर्बलन के द्वारा त्रुटियों को कम करना चाहिए, नहीं मतलब निगेटिव के जरिए नहीं, दंड के द्वारा त्रुटियों को कम करना चाहिए, नहीं दंड तो हम दे ही नहीं सकते बच्चों को। उन अधिगम कमियों को खोजना चाहिए जिनकी वजह से त्रुटियां हुई हैं, तो ये तो सही लग रहा भाई, उन कमियों को खोजिए जिसकी वजह से गलती हुई है ना। त्रुटियों की उपेक्षा करनी चाहिए, नहीं उपेक्षा आपको बता दें गलत वर्ड है, ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी जाएगा गाइस, ठीक है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि संज्ञान और भावनाएं हैं, बताइएगा। संज्ञान मतलब कॉग्निशन एंड इमोशंस हैं, ये सब क्या हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं या फिर एक दूसरे से कभी कभार ही संबंधित हैं। तो देखिए इसमें, देखिए एक दूसरे से स्वतंत्र हैं क्या, नहीं भाई कनेक्ट हैं, एक दूसरे से कभी कभार संबंधित है, कभी कभार क्या होता है भाई, ये तो गलत है, एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ईच अदर आपका इंटर रिलेटेड हैं, है ना। अगला है कि कह रहे हैं कि नॉट वातावरणीय कारकों के द्वारा प्रभावित नहीं होते, नॉन इन्फ्लुएंस्ड बाई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, तो ये भी आपका गलत है, है ना, तो एक दूसरे से अच्छे से परस्पर संबंधित है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो 27 हो गया, 28 देख लेते हैं गाइस। 28 नंबर है कि एक विद्यार्थी जो बार बार मिलने वाली असफलताओं का कारण उसकी योग्यता की कमी को मानता है, उसमें कौन सा भाव पैदा हो सकता है, बताइएगा। उसमें कौन सा भाव पैदा हो सकता है, उच्च आत्मसम्मान पैदा हो सकता है, मतलब कि एक विद्यार्थी जो बार बार उसको असफलताएं मिल रही हैं, है ना गाइस, तो उसका कारण क्या है कि उसकी योग्यता की कमी को मानता है, वह क्या करता है, योग्यता की कमी को मानता है, तो उसमें कौन सा भाव पैदा हो सकता है गाइस, उच्च आत्मसम्मान या फिर अधिगम निसहायता या फिर सकारात्मक आत्म अवधारणा या फिर आत्म प्रभावकारिता में वृद्धि। तो देखिए इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा गाइस, ऑप्शन आपका बी, मतलब कि लर्न हेल्पलेसनेस राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी।
चलिए 29 नंबर है NEP 2020 से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका कि NEP 2020 ने किस पर जोर दिया है, मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने किस पर जोर दिया है, किस पर जोर दिया है, मतलब वह चीज़ होनी चाहिए, बहुविषयकता शिक्षा पर, कठोर पाठ्यक्रम पर, तो कठोर पाठ्यक्रम ये तो गलत है, योगात्मक आकलन नहीं, परीक्षा केंद्रित नहीं, एग्ज़ाम सेंटर्ड नहीं है, तो ये आपका मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन पर, मतलब बहुविषयकता शिक्षा पर बल दिया है। चलिए और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, कुपोषण अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, या फिर उत्सुकता अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, या फिर अधिसंज्ञान, या फिर महारत उन्मुखी लक्ष्य अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो देखिए इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा कुपोषण, ठीक है, जो कुपोषण आपका ऑप्शन ए है ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा कि अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है क्या, कुपोषण, तो ऑप्शन आपका एक सही हो जाएगा। तो इसी के साथ साथियों आपको बता दें 30 क्वेश्चन हम लोग CDP के कंप्लीट कर चुके हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, भगवान करे आपका दिन शुभ हो।